अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम बैक इन महमूल डायरीज। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय नमाज एंड लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर। एक अच्छे से दिन के लिए आपका खुद का फ्रेश होना ना बहुत ज़रूरी है। सो जिस दिन मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ कि मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो देन मैं इस टाइप का कुछ करती हूँ कि जिससे मैं लिटिल बिट फ्रेश हो जाऊँ और मेरा काम की तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाए। और भाई 2024 के लिए आपकी क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या इंस्पिरेशंस हैं, क्या क्या आपने सोचा है? जो 2023 में आपने बहुत बुरे तरीके से किया है और अभी 2024 में वो नहीं करना चाहते, और कुछ ऐसा है जो 2023 में किया और उसको कंटिन्यू भी रखना चाहते हैं? कुछ हैबिट्स, कुछ मिस्टेक्स, वैसे ये सब तो चलता रहता है। खैर बेशक बंदा जितनी मर्जी सम टाइम रेजोल्यूशंस बना लेना, फिर उनसे हट जाता है। हालांकि नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो हम रेजोल्यूशन सोचते हैं वो हम अच्छी वाली सोचते हैं, लेकिन अच्छी वाली पे कायम नहीं रहते, ये मसला है। वैसे बाय द वे सब्जियां काटना किस किस बंदे को पसंद है, मतलब जिसको सब्जी काटने में मजा आता है? हालांकि इट्स काइंड ऑफ फन, सिर्फ तब नहीं मजा आता जब काटने का दिल ना करता, अदरवाइज तो वैसे सब्जियां काटना जो है ना वो मजे की चीज है। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि अंडे पड़े हैं तो चलो एक मिनट ये नहीं लेनी आपने। नो 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 मिट्टू जाने 2 सेकेंड। अच्छा कुछ इस टाइप का रेडी हुआ। और एक तो स्टीम पहले बिना इनविटेशन के पहुंच जाती है। बच्चे जो है ना आपका सारे मूड का बेड़ा गर्क एक मिनट में एक जिद करके कर सकते हैं, तो उस टाइम में अपने आप को कूल रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन करना तो पड़ता है बिकॉज मम्मीज आर फॉर दिस। ये भी जिद करके हटा है, रो धो के हटा है, अभी बड़ी मुश्किलों से दोबारा खेलने पर राजी किया है। आजकल इसको होता है हर काम मैं खुद करूं, फीटर में दूध डालना है तो मैं खुद डालूं, डाल लेता बट सम टाइम वो स्पिल आउट हो जाता है, तो मुझे होता है मेरा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा तो बेहतर है मैं खुद डाल दूं, तो बस और दूध भी ज़ाया होता है इस तरह फिर। लेकिन मोहम्मद आदम साहब को होता है नहीं जी, हर काम मुझे ही दे दो, मुझे ही दे दो। ये क्या लग गया? हल्दी लग गई जब आप खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दो दफ़ा दोबारा हैंड वॉश करोगे तो उतर जाएगी। हमें टेंशन हो गई थी, येलो येलो पता नहीं हमारे हाथ पे क्या लग गया। मोहम्मद आदम क्या देख रहे हो? नहीं इसकी खैर है, ये उतर जाएगी, इसका कोई मसला नहीं है।
इसकी कोई बात नहीं है। तो भाई इट्स टाइम टू आवर नाश्ता प्लस इनको पता नहीं क्या हो गया भाई, लंच डिनर, डिनर तो नहीं कह सकते, नाश्ता प्लस लंच आइए। खुबज कड़ी और ये मैंने वाइट राइस बनाए हैं जीरे वाले, और ये हमारा अंडा। फैंसी लग रहा है ना वैसे, हालांकि सिंपल डिश है। सर्दियाँ और गरम गरम सूप विद इंडियन सीरीज काला पानी। कपड़े भी काफ़ी सारे जमा हो गए थे, एक तो सूखने में इतने दिन लगा देते हैं, फिर भी मैंने सोचा कि और डालने हैं तो बेहतर है कि एक एक चेक करके देखूं कि कौन सा ड्राई हो गया है कौन सा नहीं हो गया, और फिर उनको सैंपल करूं ताकि इधर जो है ना मज़ीद फैलाने की स्पेस बने। तो हम बात कर रहे थे भाई मोटिवेशन की और हैबिट्स की। तो आई थिंक तो जब कोई हैबिट डेवलप करनी हो तो उसका मेन ये होता है कि आपने जब कुछ सोच लिया कि मैंने ये वाली हैबिट अपनानी है, तो बेहतर है कि आप जो है ना उस पर दिल करे या ना करे, बस फिर आपने उठ के उस पर अमल करना है। थोड़े दिन मुश्किल होगी, उसके बाद जो है ना वो काफ़ी हद तक आपको आसानी हो जाएगी, आप उसके आदि हो जाएंगे, और जब आप एक दफ़ा आदि हो जाएंगे फिर नहीं आदत कहीं जाती, अनलेस कि कोई मेन और रीज़न ना आए, फिर वो आप अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अच्छे बच्चे से आई मीन आपकी आदतें जो आप दुरुस्त करना चाहते हैं वो दुरुस्त हो जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है शुरू में स्ट्रगल तो करना पड़ता है। एक चीज़ जो हमें लाजमी सीखनी चाहिए आई थिंक सो वो है पॉजिटिव रहना। बहुत सारे हमारे मसले इस चीज़ में हल हो सकते होते हैं कि अगर हम पैनिक ना करें, हम पॉजिटिव रहें, लेकिन नहीं जी, हम तो फटाफट ये मसला आया नहीं और ये हम घबरा गए। सब ऐसे करते हैं, हर बंदे की यही सिचुएशन होती है, सिवाय कुछ के जो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। तो ये भी सीखना ही पड़ता है कि बंदे ने कूल कैसे रहना, और स्पेशली एक मतलब जो घर पे बंदी रहती है उसको सबको लगता है कि उसका कोई काम नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, पर भाई उसकी ड्यूटियाँ बड़ी होती हैं, वो बच्चों के साथ इरिटेट भी होती है, वो सिचुएशंस भी देख रही होती है, माँ है तो बच्चों की भी साइड उसने देखनी है, हस्बैंड की भी देखनी है, फादर मदर साइड भी देखनी है। सो आई थिंक सो उस पर ड्यूटीज तो काफ़ी सारी होती हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत होती है काम रहने की, क्योंकि अगर हम काम ना रहें ना तो फिर हमारी सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे निकल जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये आज मेरी शर्ट एंड सॉक्स कितनी मैची मैची लग रही हैं, बाय चांस मैंने भी नोट किया कि ये तो कितनी मैच एंड मैच लग रही है। ऑडियो जंगल देखा। 1 2 3 4 5 6 7 8